आइए व्यंग की दुनिया में मैं आपको, क्योंकि जब हास्य की बयारों में व्यंग के फूल खिल जाते हैं, जब मंच पर व्यंग के सुल्तान योगेंद्र मुद्गिल आते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई साहब योगेंद्र जी मुद्गिल के लिए। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं प्रदीप जी, आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरे को तो एक घटना याद आती है, एक रात अपने घरवाली के साथ सो रहे थे घर पे। घरवाली के साथ ही सोता हूँ। घर में चोर घुस गया। अब चोर घुस गया तो चोर की खटर पटर सुन के इनकी आंख खुल गई। आंख खुल गई तो इन्होंने देखा कि साहब घर में तो चोर घुसा हुआ है और चोर के हाथ में 7 इंची चाकू है। ये बहुत इंटेलिजेंट, ये तुरंत खड़े हुए, रजाई से बाहर आए, सेफ की चाबी निकाली और चोर को दे के बोले, ले भाई चोर ले पकड़, जो करना है कर ले। पर चोर बहुत ईमानदार था, बोला एक बात बताओ पमार जी, ये चाकू क्या दिखाने के लिए रखा हुआ है? आपको पता नहीं, मैं तो जहां भी जाता हूं, हमारे कबीले का नियम है, मैं जहां भी जाता हूं वहां खून भी करता हूं। प्रदीप जी बोले, हमारे टोंक में भी एक नियम है, लेडीज फर्स्ट। और कह के अपनी घरवाली आज्ञा कर दी। चोर ने उनका नाम पूछ लिया, बोला जी आपका नाम? वो बोली जी मेरा नाम शकुंतला। चोर ने तुरंत चाकू नीचे कर लिया और बोला, शकुंतला तो मेरी मां का नाम था, मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता, प्रदीप पवार इधर आ जा। अच्छा है। लेकिन मित्रों ताली तो आप इनकी प्रत्युत्पन्न मति पर बजाना, इनकी इंटेलिजेंसी पर बजाना। चोर ने कहा कि शकुंतला तो मेरी माँ का नाम था और मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता, प्रदीप पवार इधर आ जाओ। तो प्रदीप जी बोले, भाई चोर बात सुन ले ध्यान से, बात ध्यान से सुन ले, चाकू मार ले मेरा 4 बार, पर तेरे को एक बात बता दूं, नाम भले ही मेरा प्रदीप पवार हो पर मोहल्ले वाले मुझे प्यार से शकुंतला ही कहते हैं। बहुत जोरदार तालियां जाए भाई योगेंद्र जी के लिए। दिनेश जी ने बहुत प्रेम प्यार की बातें करी, नक्षिक का वर्णन किया, पता नहीं क्या क्या सुनाया, बहुत सारे प्रेम से प्रेम पूरा का पूरा, मतलब मैं तो ये कहूँगा लादी दिया था बिल्कुल एकदम ऊपर तक। लेकिन दिनेश जी मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेम की जो डेप्थ जो गहराई हरियाणा में पाई जाती है वो कहीं नहीं पाई जाती। वाह, एक शेर पढ़ता हूँ साहब, सिर्फ और सिर्फ एक शेर प्रेम की डेप्थ समझाने के लिए, जिस प्रेम की बात हुई थी कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। क्या प्यार है साहब, कमाल है। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता कहीं भी। और खैर साहब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, मैं तो क्या बताऊं, ऑब्जर्वेशंस, हम लोग इधर उधर से हाथ से निकल जाता है। पिछले दिनों एक घटना घटी, वो अपने क्रिकेट टीम के कप्तान है विराट कोहली, उन्होंने ब्याह कर लिया। अब ब्याह किसके साथ किया? अनुष्का के साथ, नेचुरल सी बात है, करना ही था अनुष्का के साथ, वो 5-6 साल से यही चल रहा था, खाली ब्याह ही होना बकाया था। अब अगले ने सोचा चल यार इसको भी निपटा ले। अब उसने ब्याह के लिए जगह चुन ली इटली। अब जब उन्होंने जगह इटली चुनी तो मेरा एक क्षण तैयार हुआ, मैं आपका स्वागत स्वागत आपका, कि शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, शायद विराट ने ये सूझबूझ दिखलाई, ब्याह के बहाने चल इटली में सोवेंगे, खास खास दोस्तों की लेंगे शुभकामनाएं, अनुजगा के प्यार संग बीज नया बोवेंगे। लेकिन विराट बाबू, वाह 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 वाह, ये कोर्स की बात नहीं। लेकिन विराट बाबू एक बात भूल गए, इटली प्रभाव दूर भाग भी संजोवेंगे, दुनिया बता रही है इटली में बोए बीज, होवेंगे तो मंद बुद्धि पप्पू जैसे होवेंगे। दुनिया बता रही है। वाह ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, चलिए चलिए है दूसरा नहीं, मैं तो क्या बताऊं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ नहीं जो महसूस। चलिए अब जब पूरा देश महसूस कर रहा है, पूरा राजस्थान महसूस कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। और आपके यहां तो वैसे भी बदलाव की परंपरा है, इस साल इस बार मौज ले लो।
खैर यहाँ चलिए, दरअसल है क्या, स्वागत स्वागत आपका। लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसा, मैं तो क्या बताऊं, अपन लोग तो यूं ही घूमते फिरते रहते हैं। हाँ, बहुत सारी स्थितियां चलती हैं। विशुद्ध हास्य की चार पंक्तियां आपको भेजता हूं, आप हास्य का आनंद लें और हास्य की पराकाष्ठा देखें। हास्य किस प्रकार उत्पन्न होता है कि गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई जारे नाच झूम रहे हैं। यहां तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने, अच्छा मैं एक बात बता दूं, हमारे, मैं हरियाणा से आया हूं, आप में से जो लोग हरियाणा को जानते हैं उनको पता होगा हमारे यहाँ दो करेक्टर विशेष पाए जाते हैं, एक तो ताऊर एक मोलड़। मोलड़ बिल्कुल आप जैसे मदमस्त युवाओं को कहते हैं, और ताऊ तो साहब आप इधर दिनेश जी को भी मान सकते हो। कि गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहां तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊ ते यो बूझ लिया, ताऊ बोल कुत्तों ने के मीटर मिला ये क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली बहुत सारी, मैं तो वाह वाह। दरअसल है क्या कि राजनीति के बारे में तो साहब क्या कहा जाए, राजनेताओं के बारे में क्या कहा जाए, मेरे से तो किसी ने पूछ लिया बताओ नेता और आदमी में क्या फर्क है। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि आदमी यदि कोशिश करे प्रयास करे तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले लाख प्रयास कर ले आदमी नहीं बन सकता। मैं तो चार पंक्तियां समर्पित करता हूं साहब। स्वागत स्वागत आपका। कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया, नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। क्या फर्जी वोट का जवाब नहीं, तालियां हो जाए आपकी। ये क्या है, सांचौर के नेताओं के लिए नहीं कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल हरियाणा के नेताओं की बात कर रहा हूं यार, मेरे को वापस भी तो जाना है यार। अपन क्यों छेड़े खामखा, हालांकि इनको पता है मैं कहां के नेताओं की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं क्यों बताऊं। अगर आप दोबारा उसी ऊर्जा से सुनते हैं तो मैं पढ़ देता हूं, मेरे को कोई एतराज नहीं है इस बात पर। एक बार ताली वाली बजाएं, मैं पढ़ता कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे, आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। नेता माथा ठोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। वाह, मैं तो क्या बताऊं साहब, देश की स्थितियां आप लोगों के समक्ष हैं, कितनी सारी विडंबनाएं, कितनी सारी विद्रूपताएं, कितनी सारी विसंगतियां। मेरे को तो ध्यान में साहब एक जगह चुनाव हुआ, नेताजी चुनाव जीत गए साहब, सारे के सारे नेता जीत गए। तो उनकी रात को मीटिंग हुई, किसन कैबिनेट की मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर सबने विभाग बांट लिए, भाई तेरा ये मंत्रालय तेरा वो मंत्रालय, एक को कृषि मंत्रालय दे दिया, वो बहुत छोटी जगह से आया था, जब उसको कृषि मंत्रालय मिला तो फूल का कुप्पा हो गया और बोला भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक शर्त रख दी गई कि कल तक जब तक बड़े नेताजी घोषणा नहीं करेंगे तो ये बात लीक नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है। लेकिन साहब वो घर आया, घर आके उसने अपनी घरवाली को बता दिया, घरवाली को बता के कहने लगा देख भैया आज तो मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं देश का कृषि मंत्री बन गया और अब मैं इस खुशी में गांव जाऊंगा और खेड़े की धोक मार के आऊंगा।
और जैसे आया था गांव से साइकिल पर आया था, आज भले ही मेरे पास कार है सब कुछ है, लेकिन मैं साइकिल पर चढ़ के जाऊंगा, खेड़े की धोख मार के आऊंगा। और अगले दिन साहब सुबह वो उठ के नहाए धोए और उसके बाद साइकिल उठाई और चल दिए गांव की तरफ। गांव बहुत दिनों के बाद साइकिल चलाई थी, सांस फूल गया, पसीने आ गए, बुरा हाल हो गया, अड़क सूख गया, प्यास लगी, तो उन्होंने देखा भाई एक गांव का किसान जो है ना अपने खेत में पानी लगा रहा है। वो तुरंत उतरे, उतरते ही उन्होंने किसान ने उसकी हालत देखी और बोला भाई पानी की बहुत जरूरत है। बोला भाई पहले बाद में राम राम बाद में कर लियो, पहले पानी पी ले। साहब उन्होंने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद जो है ना उन्होंने तृप्ति की डकार ली और चारों तरफ देख के बोले कि वाह भाई ताऊ क्या बात है, इनके तेरी जो कपास की फसल हुई है ना क्या शानदार है। ये सुनते उस किसान ने नारा लगाना शुरू कर दिया, कृषि मंत्री जिंदाबाद, कृषि मंत्री जिंदाबाद, कृषि मंत्री जिंदाबाद। अब वो चकराए, कहने लगे यार एक बात बता, ना मेरे साथ कोई ब्लैक कैट कमांडो, ना मेरे साथ कोई लाभ लश्कर, ना अभी तक रिजल्ट लीक हुआ, ना प्रेस में आई, तेरे को पता कैसे लगा कि मैं कृषि मंत्री हूं। तो किसान ने उत्तर दिया कि जब आपने मेरी इस गन्ने की फसल को कपास की फसल बताया, मैं तो उसी समय समझ गया था कि आप इस देश के कृषि मंत्री हो सकते हैं। क्या व्यंग है, वाह 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 वाह। कि नेताजी यूं बोले अमेरिका ने तो कर लिया, नेताजी यूं बोले अमेरिका ने तो कर लिया, हम भी निर्धनों को अपडेट करवाएंगे, देश के गरीब तकनीक से जुड़ेंगे सारे, सिर्फ 1200 में लैपटॉप दिलवाएंगे। तो एक पत्रकार बोला आपने कहा था सर गरीब को तो सबसे पहले रोटियां खिलाएंगे, मंत्री बोले लैपटॉप होगा तो गरीब सारे नेट से डाउनलोड करके रोटियां भी खाएंगे। मंत्री बोले लैपटॉप अच्छा होगा तो गरीब सारे नेट से डाउनलोड करके रोटी। अच्छा हुआ क्या, तरक्की हुई, प्रगति हुई, हम लोग प्रगति के पथ पर चढ़े। साहब हुआ क्या कि हमने तो घरों में टेलीविजन जैसा महागुरु रख लिया, टेलीविजन ने बच्चों को वो सिखा दिया जिसके बच्चे योग्य नहीं थे। मेरे को तो एक घटना याद आती है, एक आदमी ने घर पर फोन किया, उधर से मैडम ने उठा, बोला हेलो, मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है, बोली घर पे ही तो हूँ, बोला घर पे है तो मिक्सी चला के दिखा। उसने साहब मिक्सी चला दी घर, तीन चार दिन के बाद उसने फिर फोन किया, हेलो, उधर से मैडम बोली हेलो, बोला कहाँ पे है, बोली घर पे हूँ, बोला घर पे है तो मिक्सी चला के दिखा। उसने फिर मिक्सी चला दी, तीन चार दिन के बाद उसकी छुट्टी थी, वो घर आया, देखा मैडम थी नहीं, तो उसने नौकर से पूछ लिया, अरे मैडम कहाँ है, बोला जी पता नहीं 2 महीने हो गए, रोज सवेरे मिक्सी लेके पता नहीं कहाँ निकल जाए। कैसे दौर में जी रहे। वाह तालियां हो जाए एक बार। अच्छा, वाह क्या जवाब नहीं आपका। अच्छा ये तो परमार जी की भी समझ में आई बात। बढ़िया भाई साहब, नहीं मेरे को दिख रहा है, मैं तो क्या बताऊं साहब, हम लोग कहां थे और कहां पहुंच गए, कैसे, मैं एक विडंबना आप तक भेजता हूं। स्वागत आपका, स्वागत, आप आनंद लेंगे। बोले के ताऊ बोला जी करे से, ताऊ बोला जी करे से ऐसा वरदान मिल जाए, नाक ने बढ़ा के गणपति बन जाऊं मैं, बढ़िया तेरे पे पूजा कराऊं, दीवा बाती भी लुआऊं, रोज ताजे ताजे मीठे मीठे लाडू खाऊं मैं, बढ़िया। तो ताई बोली हाथ जोड़ गणपति बन जे तो हो जू मैं निहाल अर शुकर मनाऊं मैं, हर जाल यमुना में कर के विसर्जन तेरा, अपने लिए नवा गणपति लेके आऊं मैं, हर जाल यमुना में कर के विसर्जन तेरा। मैं तो क्या बताऊं साहब, बढ़िया है। कहां पहुंच गए हम, कहां से चले थे, कहां तक की कितनी विडंबना आएगी ना। एक और घटना ध्यान में आ रही है, भेजता हूं आप तक, के पीछे पीछे मोलड़ ने देख कहनी छोरी बोली, पीछे पीछे मोलड़ ने देख कहनी छोरी बोली, पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से, पीछे पीछे मोलड़ ने देख कहनी छोरी बोली, पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से, मजनू बना फिरे से इतना भी ज्ञान कोनी, हम दोनों के पास मेरी मम्मी भी तो आवे से। तो छोरा बोला चुपचाप, तो छोरा बोला चुपचाप, बात ने दबाए राख, मने भी पता है तेरी मम्मी पीछे आवे से।
डर मत खानदानी आशिक है हम देख, तेरी माँ के पीछे मेरा डैडी भी तो आवे से। डर मत खानदानी आशिक है कमाल देख। मैं तो क्या बताऊं साहब, कहां पहुंच गए, कहां से चले थे, क्या हो क्या रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला, देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा, अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा, और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूजी बार 600, तीजे 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला, ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। तो मोलड़ सा छोरा बोला, ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाए। मैं तो क्या बताऊं साहब, बहुत सारी विडंबना, इतनी सारी किस किस को बताऊं, बहुत सारी। मैं एक छंद और भेजता हूँ। हाँ, स्वागत आपका, स्वागत योगेंद्र जी, स्वागत। के शहर की ताम झाम लील गई पूर्वा को, शहर की ताम झाम लील गई पूर्वा को, गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। शहर की ताम झाम लील गई पूर्वा को, गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। अधनंगी छोरियों के चित्र ढूंढते हैं लोग, अखबार में खबर अब कोई नहीं देखता। ये दिखते शो पीस जैसे पेड़ वही बीजते हैं, दरख्तों पे समर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देखकर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देखकर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। और मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही राह धूल, रोटियों का खाब लिए टूट गई जूतियां। मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही राह धूल, रोटियों का खाब लिए टूट गई जूतियां। डिग्रियों का बैग लिए दफ्तरों की सीढ़ियों से, एक दिन काया जैसी टूट गई जूतियां। और बेटियों के लिए वर खोजने गया जो बाप, उसके यकीन जैसी टूट गई जूतियां। और एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। और सत्ता की दलाली फल है गोरी गोरी जूतियों से, सत्ता की दलाली बल है गोरी गोरी जूतियों से, दफ्तरों में चांदी वाली चलती हैं जूतियां। मुर्गियां फंसती हैं जूतियों को देखकर, मजलियां आजकल तलती हैं जूतियां। और नेताजी चुनाव जीत आए तो नेता इन बोली, इनको तो वोटरों की फलती हैं जूतियां। संसद से लौटे एक पत्रकार ने बताया, आजकल वहां भी तो चलती हैं जूतियां। संसद से लौटे एक पत्रकार ने बताया, क्या आप लोग व्यंग सुनते हुए कुछ ठंडे से हो गए? मैंने ज्यादा ज्ञान की बात कर दी क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बीच बीच में ठीक है ये भी। मैं तो क्या बताऊं साहब, बहुत सारी स्थितियां हैं। वो मल्लिका को जानते हो क्या? हाँ, सब जानते हैं। दरअसल मैं तो इसलिए जानता हूं, हमारे तो हरियाणा की, मैं ईमानदारी से मल्लिका शेरावत की बात कर रहा हूं। मल्लिका चलेगी बाबा रामदेव के पास, क्यों जा नहीं सकती थी क्या? बोली, बाबा आप तो आजकल पता नहीं क्या क्या बना रहे हो, कितने सारे प्रोडक्ट बना रहे हो, इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप मेरे को ये बताओ जब मैं नहाऊं तो क्या लगाऊं। बाबा ने भी गौर से देखकर बोला, बेटी बात सुन, तू नहावे तो बस कुंडी लगा लिया कर। रंग भेजता हूं आप तक। मल्लिका चली गई दर्जी के पास, आधा मीटर कपड़ा लेके, आधा मीटर। अच्छा, इनके साथ गई थी हरी जी के पास?
भाई साहब मेरे को नहीं पता था, नहीं तो जब दिन में आए थे तो मैं उसका एड्रेस ही ले लेता। मल्लिका चली गई दर्जी के पास आधा मीटर कपड़ा लेके और बोली से मेरी तीन ड्रेस बना दो। साहब दर्जी ने कपड़े को नापा, फिर मल्लिका को, फिर बोला उनका एक बात बताओ बहन जी, इसमें जो कपड़ा बचेगा उसका क्या बनाना है? विडंबना भेजता हूं आपको। बिल्कुल स्वागत है। मल्लिका शेरावत को जूसर घुमाते देख, मल्लिका शेरावत को जूसर घुमाते देख, नौकर बोला मैडम आप ये क्या घुमा रही हो, जूस की जरूरत हो तो मुझको आदेश करो, आप भला खुद ही क्यों जूस बना रही हो। तो मल्लिका तू नक्के बोली हट मुए बेवकूफ, तेरे जैसा नौकर पाके भाग्य खो रही हूं मैं, दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूं मैं, दिखता नहीं क्या तुझे। मित्रों दरअसल क्या है कि एक सम्मान की कविता, एक समर्पण की कविता आप तक भेजता हूं, आप लोग केवल और केवल उसका आनंद लें, उसके साथ जुड़े बस। के पुरखों की आन बान शान के लिए, पुरखों की आन बान शान के लिए, नई पीढ़ियों के उत्थान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए। सिंधल जी बता रहे थे पाकिस्तान बहुत नजदीक है, इसी संकल्प के साथ इसको सब लोग सुने। के पुरखों की आन बान जान के लिए, नई पीढ़ियों के उत्थान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, मंगल पे जीत अभियान जिंदाबाद। मंगल पे जब तक सारे मिलकर इसके साथ तालियां नहीं बजाएंगे मैं यही पंक्ति गाता रहूंगा कि मंगल पे जीत अभियान जिंदाबाद, देश का पनपता विज्ञान जिंदाबाद, विश्व में हमारी पहचान जिंदाबाद, मेरे संग बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे मिल बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, श्रम सेवा साधना के मान के लिए, श्रम सेवा साधना के मान के लिए, सत्यमेव जयते विधान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, देश की मिट्टी को हमने चंदन किया, देश की मिट्टी को हमने चंदन किया, आतताइयों ने भी तो क्रंदन किया, चीन व जापान ने भी वंदन किया, अमेरिका ने झुके अभिनंदन किया, अमेरिका ने झुके अभिनंदन किया, विश्व गुरु वाली पहचान के लिए, विश्व गुरु वाली पहचान के लिए, स्वयं विचार संधान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए, शत्रुओं का अभिमान कर डाले कम, शत्रुओं का अभिमान कर डाले कम, भारत हमारा और भारत के हम, शत्रुओं का अभिमान कर डाले कम, भारत हमारा और भारत के हम, आओ रे उठा के गंगा जल की कसम, गली गली गाए चलो वंदे मातरम, गली गली गाए चलो वंदे मातरम, दुर्भिसंधियों के अवसान के लिए, शत्रुता के मारक अभियान के लिए, मात भारती के सम्मान। और अंतिम चार पंक्तियां इस कविता की आपको भेजता हूं।
क्या बढ़िया, ना तो बढ़िया उत्पात ना ही दंगा चाहिए, ना तो उत्पात ना ही दंगा चाहिए, देश में कोई ना भूखा नंगा चाहिए, ना तो उत्पात ना ही दंगा चाहिए, देश में कोई ना भूखा नंगा चाहिए, जातियों के नाम पे ना पंगा चाहिए, एक एक हाथ में तिरंगा चाहिए, एक एक हाथ में तिरंगा चाहिए, वीरता की नव्य पहचान के लिए, देश हित प्राण देह दान के लिए, मात भारती के सम्मान के लिए, जिएंगे जिएंगे हिंदुस्तान के लिए।